सुनो, उस पुलिसिया लड़के से थोड़ा सावधान रहना। कंधे पर बिठाने से सूसू ही नहीं, बहुत कुछ कर देगा। ठीक है सर, उसकी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है। सारी डिटेल मिल गई ना आपको? हाँ, क्यों, वैसा ही तुम्हारे घर गया था क्या? एड्रेस मांगा था, मैंने ही दिया था उसे। आपने उसे मेरा एड्रेस दे दिया? अरे तो क्या करता, नहीं देता तो मेरे घर आकर मुझे परेशान करता। वो एक नंबर का क्रैक लगता है मुझे वो, ऐसा ही इसीलिए दे दिया उसे। नाम लेते ही शैतान हाजिर, 100 साल जिएंगे आप। थोड़ा ज्यादा ही हो गया, कुछ और कहना है तो बता दो। ठीक है, अंदर क्यों छुपाई हो, बोलो। ये तो जवाब ही नहीं देती। नमस्ते सर। आओ आओ। सर, आपके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट लाया हूं। खाली मैदान है, कली स्टूडियो के बाजू में ही है, अमीरपेट। खाली पड़ा है, बोर्ड लगा दूं, हार्ट केक। यहाँ तो मेट्रो आ रही है। अरे रे, ये तो मेट्रो वाला ही है। ठीक है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये देखो अल्टरनेट वाला है। ये देख रहे हो, 25 एकड़ का है, खाली पड़ा है, कोई नहीं है, लोगे क्या? इसे कैसे ले सकते हैं, ये तो मिलिट्री वालों की है, फेंसिंग टच करते ही गोली चलाकर मार देंगे। ओह, तो फिर रहने दो, अपने को रिस्क लेना जरूरी नहीं है। ये जगह कैसा रहेगा? ये सिनेमा वालों और टीवी वालों का है, मीडिया वालों से पंगा मत लेना, मामूली लोग नहीं होते वो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। उनकी तरफ उंगली उठाया ना तो पंजे का निशान गाल पर अच्छी तरह से बनाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज़। और रोलिंग में कई दिनों तक दिखाएंगे। तो रहने दो, अभी इसका क्या करूं? तुम कमीशन के लालच में जो जगह खाली दिख रही है उसे लेकर आ रहे हो, क्या करना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है। हाय। थाना छोड़कर आजकल ये यहाँ पर क्या कर रहा है? हेलो। सर, कुर्सी लाऊं क्या? हाय। हाँ, लेकर आ। सुनाई नहीं दे रहा क्या, नाटक कर रहे हो? जा लेकर आ, जल्दी लेकर आ। लाता हूँ। सर कुर्सी यहाँ रख। जाए कॉफी लेकर आ। लेकर आ जी। मेरे लिए तुम्हारा ओपिनियन क्या है? दबंग का आइडिया है, सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा। आई हेट यू। बस इतना ही? हाँ इतना ही। Hey, इधर आ। सर, कुर्सी लगाऊं क्या? कॉमेडी कर रहा है क्या? अबे यहाँ मेरा रिवॉल्वर छूट गया है, देखा है क्या? क्या रिवॉल्वर मिस हो गया है? चुप। तूने देखा है क्या? देखा है तो मुझे बता। माँ कसम सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने देखा भी नहीं। अरे मैंने यहीं पर रखा था यार। हेलो। हाँ, मैंने यहाँ अपना रिवॉल्वर रखा था, देखा क्या? ऐसा ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्यों भाई, तू भी साथ में ढूंढ रहा है क्या? मैं यहाँ कुछ खाने का चीज भूल गया हूँ। क्या? इनका रिवॉल्वर वा मिस हो गया है अपने ऑफिस में, बुलेट के साथ। रिवॉल्वर? रिवॉल्वर बुलेट के साथ? हाँ, आपका रिवॉल्वर बुलेट के साथ मिस हो गया, लेकिन सर आपने उसे बाहर निकाला है कि उसने? तो फिर गायब कैसे हुआ? सब तो अपनी जगह पर बैठे हैं, लेकिन आप 2 और 3 बार अंदर बाहर गए थे ऑफिस से। ढूंढो 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 ढूंढो, जाओ जाओ। रिवॉल्वर खोया है, सर्विस रिवॉल्वर। तुमने मेरा रिवॉल्वर गायब किया है। सर, सर, मिला? सर, अगर रिवॉल्वर नहीं मिला तो क्या आपकी नौकरी चली जाएगी? अबे नौकरी छोड़, डिपार्टमेंट में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? हमें तो लग रहा है आपका नौकरी भी जाएगा और सड़क में भीख मांगेंगे लोटा लेके। तेरी तो मनहूस आदमी, जा जाके ढूंढ के ला। जाता हूँ। ओके। अच्छा या श्योर, कल मिलते हैं। ओके बाय।
अरे मैंने नहीं तोड़ा है, एक चोर था, प्रॉमिस। एक्चुअली मुझे इस तरफ थोड़ा सा काम था, तुम्हें हाय कहना था, तुम तो घर पर नहीं थी, चोर मुझे देखकर भाग गया। अब वो तो भाग गया लेकिन उसने मेन डोर खुला छोड़ दिया, अब कोई और अंदर ना आ जाए ये सोच के मैं ही अंदर आ गया और खाना भी बना दिया, फिर तुम्हारा इंतजार करने लगा। क्या कहती हो, खाना खा ले? मैं खा लूंगी, पहले तुम यहाँ से जाओ। हाँ? अच्छा ओके। प्लीज मेरा रिवॉल्वर मुझे दे दो प्लीज। ओह थैंक यू। अच्छा मैंने सुना है कि तुम्हें बैंगन का करी बहुत पसंद है ना, वही बनाया है, वो तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए। थैंक्स सर। चाय। थैंक मैडम। चाय। थैंक यू सीनू। मैडम 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 कांग्रेचुलेशन मैडम, पार्टी कब दे रही हैं? पार्टी? हाँ वो क्यों? अरे आपका शादी तय हुआ है तो पार्टी तो देंगी ना। शादी किसकी, पार्टी किसकी? ये का मैडम, सब जगह कार्ड्स बट चुके हैं। कौन से कार्ड्स? ओ आपने अभी तक देखा नहीं का? रुकिए हम दिखाते हैं, रुकिए। इधर कार्ड कहाँ गया रे? कार्ड रखाते हैं यहाँ पर। आइडिया तो सुपर था, इतने शॉर्ट पीरियड में हाँ, उसने दिखाओ, तुम्हें पटा लिया तो मानने वाली बात है। कुछ भी कहो, कार्ड बहुत अच्छा है। सुनीता मैडम जरा पीछे आएंगे आप, काहे को दुल्हन को परेशान कर रही हैं? हाँ ये आपका कार्ड, अच्छा लगा ना मैडम? अब कहिए पार्टी तो बनती है ना। क्या देख रही हो, कार्ड तो दिया है लेकिन इस पर डेट नहीं लिखी, पोस्टर के जैसे कमिंग सून लिखा है। यार बस करना, किसी को कोई काम ही नहीं है। हेलो, क्या है माम? जल्दी फोन भी नहीं उठाती है, इतनी बिजी है क्या? इतनी गुस्से में क्यों हो, आराम से बात करो ना। तुम्हें कीटियर के बारे में बताना है। किसकी? आरपी के बारे में। आरपी? ये आरपी के बारे में तुम्हें कैसे पता माँ? मुझे ही नहीं, पिताजी को भी पता है। क्या ये बात पापा तक पहुँच गई? हाँ उसने ही फोन किया था, मुझे लगता है लड़का बहुत अच्छा है। मुझे दो, मुझे दो। लीजिए बात कीजिए। बेटे संजना। हाँ पापा। मैंने उस लड़के से बात की है, मुझे वो लड़का अच्छा लगा। क्या पापा आप भी? वैसे भी तेरी शादी करवाने वाले थे ना, अब लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है, वो लड़का बहुत ही अच्छा है। अरे अरे मुझे फोन दीजिए ना। हाँ संजू तुम्हारे लिए वो सही है। अच्छा ठीक है मैं रखती हूँ। क्या देख रहे हो आप लोग, हमारे सर का लव देख रहे हो? FIR क्लोज। संजू थैंक्स। इट्स ओके। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन चोर क्या सच में घर आया था? मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं? सच बोलो। तुम्हें पटाने के लिए ही आया था। अब एक तो तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता है ना, इसलिए मैंने बनाया था। शादी के पहले तो ये सब कर रहे हो, शादी के बाद भी करोगे ना? बहुत कुछ करूंगा। संजू मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम ऑफिस में नहीं बस स्टॉप पे देखा था, और उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट, तब से तुम्हारे पीछे पड़ गया। साहेब जी कोई आदिवासी मिलने आया है, बहुत देर से खड़ा है साहब, कहता है उसे मंत्र आता है, तंत्र भी आता है, बहुत देर से आपसे मिलने के लिए जिद कर रहा है मालिक। कौन है? अच्छा वो है क्या? दो दिन पहले भी वो मेरी कार को रोक रहा था। ठीक है उसे अंदर लेकर आओ। ठीक है। ए भाई अंदर आ जाओ। कुरु कुरु भद्राद्री नर्मदा सिंबांध्री अर्पणा। अरे बस 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 पीछे हो पीछे हो। ठीक है ठीक है ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ काम क्या है। क्या कहूँ मालिक, ये हमारे भगवान की कहने वाली बात है, इस घर में एक महाशक्ति है, उसकी वजह से आपके घर में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्या कहा? सारी जायदाद नहीं आखिर में आपकी जान जाने का भी खतरा है। ऐसा क्या? हाँ मालिक। क्यों भाई मैं तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा हूँ जो कान का बहुत ही कच्चा है क्या? मेरी बात मानिए मालिक। ठीक है चलो मान लेता हूँ, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए देता हूँ,
तो तुम उस शक्ति को भगा दोगे? इतनी शक्ति मेरे पास नहीं है। जो होने वाला है मैं पहले बता रहा हूँ, सावधान रहिए आप। आज तुम यहाँ पर आए हो, कल कोई दूसरा आकर ऐसे ही डराएगा। देखो फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे ले जाओ इसे, चलो जाओ यहाँ से। चलो चलो मालिक, आपने जाने को बोला ना। चलो 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 मालिक, मेरी बात सुनिए। बाहर निकलो, गेट के बाहर। क्या कर रहे हो? दूर बाहर आ जाए, दोबारा आना मत। मेरी बात सुनिए मालिक, नहीं तो पछताओगे। दिन भर खाना बनता रहता है और दबा दबा कर खाते रहते हैं, फिर भी गैस बंद करने का ख्याल नहीं रहता। जैसा कि आप जानते हैं कि जमीन पर कब्जा करने वाली बात सरकार के लिए सरदर्द बन चुकी है। रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पावर का फायदा उठा करके जमीन हड़प रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार की बहुत बदनामी हो रही है। आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। सर रेड्डी जी, किसी भी टीवी में देखिए, पेपर में देखिए, आपके कब्जे के बारे में बात हो रही। इस बात पर विपक्ष वाले असेंबली में झगड़ा तो कर ही रहे हैं। इस समाचार के बाद मंत्री का पद रहेगा या जाएगा, इसी टेंशन में है सब। इसलिए कुछ दिनों के लिए खामोश रहने के लिए मंत्री जी ने कहा है। प्लीज सर। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दिस सर, पर वो बाढ़ पीड़ितों का घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथों से निकल गया।